बात करेंगे। अजय चौटाला का एक बड़ा बयान सामने आया है। हरियाणा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के लिए कहा है कि जल्द ही हटेगा उनके नाम के आगे से डिप्टी। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के पिता है अजय चौटाला, जो कि जयपुर आए हुए हैं, और यहां पर जब वो मीडिया से रूबरू हो रहे थे तो फिर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि जो डिप्टी लगा हुआ है वो जल्द ही हटेगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा आप भी सुनिए। डीवाई पूरी तरह हटे, निश्चित तौर पे हटेगा। हटेगा, देखो काम, संघर्ष, कर्म, उसके परिणाम आते हैं, सार्थक परिणाम आते हैं और सार्थक परिणाम मिलेंगे। डीवाई पूरी तरह हटे, निश्चित तौर पे हटेगा। हटेगा, देखो काम, संघर्ष, कर्म, उसके परिणाम आते हैं, सार्थक परिणाम आते हैं और सार्थक परिणाम मिलेंगे। तो अभी आप यहां पर सुन रहे थे कि अजय चौटाला का ये बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल वो जयपुर में है और यहां पर हरियाणा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के लिए उन्होंने कहा है कि जल्द ही हटेगा उनके नाम के आगे से डिप्टी। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के पिता है अजय चौटाला और उन्होंने अपना ये बड़ा बयान दिया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी और यहाँ पर डिप्टी सीएम की जो बात की जा रही है दुष्यंत चौटाला को लेकर, यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि दुष्यंत चौटाला के लिए उनके नाम के आगे से जल्द ही ये हटेगा, यानी कि जो डिप्टी सीएम जो लगाया गया उसे जल्दी हटाया जाएगा। और जेजेपी नेता है दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला उनके पिता है और उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। और अभी क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी आपको सुनाते हैं। तो दुष्यंत चौटाला के लिए कहा कि जल्द ही हटेगा उनके नाम के आगे से डिप्टी। और यहां पर अजय चौटाला ने ये बड़ा बयान दिया है, जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के पिता है। और अब आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने बातचीत की। हरियाणा के कद्दावर नेता अजय चौटाला जयपुर की यात्रा पर है, हम उनसे बात करेंगे। और बधाई पहले तो अजय जी आपको कि जेजेपी हरियाणा की सरकार में भागीदार है, सरकार आपने और बीजेपी ने मिलकर बनाई है, आपके पुत्र वहाँ उप मुख्यमंत्री बने जी। किस तरह से अब रोड मैप गठबंधन सरकार का आगे रहने वाला है? अब हरियाणा प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने की सोच के साथ आगे बढ़ेंगे जी। और उसकी शुरुआत पहली कैबिनेट की मीटिंग से ही शुरू कर दी है। कल हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र के अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। भाजपा और हम मिल करके वो अपने घोषणा पत्र की मुख्य मांगों को पूरा करेंगे, हम अपनी करेंगे और प्रदेश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, ये हमारी सोच है, इसके साथ आगे बढ़ेंगे। एक सवाल अक्सर उठता है कि चौटाला परिवार पूरी तरह एकजुट होकर, वही दौर जब तूती बोला करती चौधरी देवीलाल के समय में आपके, और एक ज़माने में आपने वो रिकॉर्ड सीटें वहाँ की विधानसभा में हासिल की, और चौधरी देवीलाल की तो तूती ना केवल हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी बोलती थी जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो किस तरह से अब वो दौर क्या लगता है लौटेगा फिर वापस? निश्चित तौर पे नई सोच के लोग आए हैं, नई एनर्जी के साथ आए हैं, वो नया सवेरा लेकर के आएंगे, मैं तो यही कामना करता हूँ। तो क्या लगता है उम्मीद की जाए कि भविष्य में डीवाई पूरी तरह हटे? निश्चित तौर पर हटेगा। हटेगा, देखो काम, संघर्ष, कर्म, उसके परिणाम आते हैं, सार्थक परिणाम आते हैं और सार्थक परिणाम मिलेंगे। अजय चौटाला जी से बात हुई और राजस्थान की सरजमी से निकलकर ही हरियाणा में झंडे गाड़ने वाला चौटाला परिवार आज फिर से सत्ता में लौटा है। हरियाणा की जनता को जेजेपी से और बीजेपी सरकार से उम्मीद है, लेकिन राजस्थान की राजनीति भी इनसे रूबरू होती भविष्य में नजर आ सकती है। कैमरा जर्नलिस्ट सुरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। तो आपने सुना अभी क्या कुछ उन्होंने कहा। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के पिता हैं अजय चौटाला और यहां पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही हटेगा दुष्यंत चौटाला के नाम के आगे से डिप्टी, और इसी को लेकर उन्होंने अपना ये बड़ा बयान दिया है। और जेजेपी नेता है दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला उनके पिता हैं, जिसका बड़ा बयान यहां पर आया है। और क्या कुछ उन्होंने अपने इस बयान में दिया है ये भी आपने सुना।